बार बार गूगल एडसेंस में अप्लाई करने के बाद भी आपका जो साइट है, आपके जो डोमेन है, उसको अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है और आपकी साइट पर अगर अच्छा खासा ट्रैफिक है और आप उसको मोनिटाइज करके गुड अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप सभी लोग इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी लोग को एडसेंस का एक अल्टरनेटिव के बारे में बताने वाला हूँ, जहां पर आप सभी लोग इजिली अपनी किसी भी डोमेन को अप्रूव करा पाओगे और उस डोमेन को जब अप्रूव करा लोगे तो वहां से आपको हाई सीपीएम रेट मिलेगा, जिससे अगर आपकी साइट पर कम ट्रैफिक भी आ रहा है तो आप एक गुड अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। तो जो भी बंदे गूगल एडसेंस के अल्टरनेटिव को फाइंड कर रहे हैं या फिर अपने ट्रैफिक को मोनिटाइज करना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं सारी सारी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप सभी लोग को वहां पर हाई सीपीएम लाना है, जिससे कि भाई आपका जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो। तो वीडियो डेफिनेटली आप सभी लोग को पूरा देखना है और अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उसे दबा देना ताकि ऐसी ही आने वाली सारी की सारी वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग जिस एड नेटवर्क की बात कर रहे हैं वो है प्रोपेलर एड्स। अब प्रोपेलर एड्स के बारे में आप सभी लोग ने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो भाई मैं बता देता हूं, काफी पुराना एड नेटवर्क है और यहां पर मिनिमम पे आउट जो है वो है $5। जैसे आपके प्रोपेलर एड्स के अकाउंट में $5 कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको आप सभी लोग अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर पाओगे। अब अगर आप सभी लोग प्रोपेलर एड्स के अर्निंग प्रूफ्स के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा कि कितने व्यूज पर कितना आपको मतलब अर्निंग होगी, सीपीएम कितना मिलेगा, वो प्रूफ मैं आप सभी लोग को आने वाले एक दो दिन में शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं भी अभी यूज कर रहा था तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर कर दें। तो चलिए गाइस चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर डिटेल में मैं आप सभी लोग को बताता हूं कि किस तरीके से आप सभी लोग को अपनी साइट को ऐड करना है, साइन अप कैसे करना है और क्या-क्या प्रोसेस रहेगी, कौन-कौन से आप सभी लोग यहां पर ऐड यूनिट क्रिएट कर सकते हो, सारी की सारी डिटेल जानते हैं। अगर सबसे पहले आप सभी लोग को करना कुछ नहीं, गूगल पर आना है, प्रोपेलर एड्स आप सभी लोग को सर्च करना है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप सभी लोग को लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली भी आप सभी लोग आ सकते हो। उसके बाद आप सभी लोग को इस वेबसाइट पर आ जाना है तो ऐसा इंटरफेस आप सभी लोग को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग को एक काम करना है कि अगर आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बहुत ही बढ़िया ट्रिक आप सभी लोग के साथ शेयर करी थी, ये वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। और आप सभी लोग को गूगल एडसेंस का अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है वो चीज आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आपकी साइट पर पॉलिसी वोल्यूशन आ रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन का एरर आ रहा है या फिर कौन सा एरर आ रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई हमारी ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और फिर मैं उसके सॉल्यूशन आप सभी लोग के साथ शेयर करवाऊं, ठीक है। तो इसके बाद जो लोग यहां पर मोनिटाइज ट्रैफिक के सेक्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर आप सभी लोग को कुछ बेसिक से डिटेल्स फिल करनी होगी जो भी है आप सभी लोग को, ठीक है। अकाउंट टाइप आप सभी लोग को यहां पर इंडिविजुअल ही रखना है, उसके बाद जो भी आपकी यहां पर वेबसाइट का नाम है, आपका नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये सारी चीजें, ईमेल आईडी और ये सारी चीजें आप सभी लोग को फिल करनी है। तो चलिए मैं भी फिल करता हूं, देन वीडियो को हम आगे स्किप करते हैं। जैसे आप सभी लोग अपनी सारी डिटेल फिल करोगे और साइन अप के सेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपकी जो भी ईमेल आईडी है उस पर एक मेल भेजा जाएगा, तो आपको अपना अकाउंट जो है उसको एक्टिवेट करना है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो मुझे प्रोपेलर एड्स की तरफ से यहां पर मेल आ चुका है, तो आप सभी लोग को वेरीफाई अकाउंट के सेक्शन पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करोगे यहां पर आप सभी लोग को जो भी अपने पासवर्ड है वो सेट करने पड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, 3-4 सेकंड का, देन यहां पर आपसे पासवर्ड पूछेगा और कंफर्म पासवर्ड आप सभी लोग को डालना है, देन आप सभी लोग को यहां पर फिनिश एंड लॉगिन के सेक्शन पर क्लिक करना है। यहां पर मैंने पासवर्ड डाल दिया, अब मैं यहां पर फिनिश एंड लॉगिन के सेक्शन पर क्लिक करता हूं। तो जैसे क्लिक करूंगा भाई हमको यहां पर लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, तो यहां पर सेव कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो प्रोपेलर एड्स का ऐसा आप सभी लोग को डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, ऊपर में आप सभी लोग को जो भी आपका रेवेन्यू होगा वो दिखेगा और यहां पर जो भी लैंग्वेज है वो सारी चीजें, और इसके बाद आप सभी लोग यहां पर रेफरल प्रोग्राम का यूज करके भी अर्निंग कर सकते हो, अगर आप सभी लोग किसी के साथ शेयर करते हो, ठीक है, तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ अर्निंग होती रहेगी। तो गाइस अब हम हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं कि किस तरीके से आप सभी लोग को यहां पर अपनी साइट को ऐड करना है, देन आगे मैं आप सभी लोग को बताऊंगा कि कौन कौन सा एड यूनिट आप सभी लोग क्रिएट कर सकते हो, कैसे लगाने, सारी की सारी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर एड साइट के ऑप्शन पर आप सभी लोग को क्लिक करना है। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो तो साफ साफ मेंशन है कि आप सभी लोग यहां पर blogspot.com वाले ब्लॉग्स को ऐड नहीं कर सकते, अगर आपके पास कस्टम डोमेन है तो उन्हीं साइट्स को आप ऐड कर सकते हो। तो यहां पर मैं मेरी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ गया हूं, अब ब्लॉगर की साइट और वर्डप्रेस की साइट दोनों को मतलब जो है ऐड करने का सेम मेथड है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो यहां पर जो भी आपका डोमेन नेम है वो डालना है, बस यहां से ये https है इसको हटा देना है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको डोमेन नेम डालना है, देन ऐड साइट के ऑप्शन पर आप सभी लोग को क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करोगे यहां पर आप सभी लोग को एक कोड दिया जाएगा जिसको कि आप सभी लोग को डायरेक्टली अपना जो भी हेड सेक्शन है उसमें डालना है। अभी ब्लॉगर में कैसे डालना है वो भी बता दूंगा, वर्डप्रेस में कैसे डालना है वो भी मैं आप सभी लोग को बता दूंगा। तो ये जो कॉपी का सेक्शन दिख रहा है इस पर हम सभी लोग क्लिक करते हैं। सबसे पहले मैं वर्डप्रेस पर बता देता हूं यहां पर आना है, यहां पर आने पर वर्डप्रेस पर एक प्लगइन आ रहा है डायरेक्टली, तो यहां पर जो सेटिंग का सेक्शन है उस पर जाऊंगा तो यहां पर इंसर्ट हेडर एंड फुटर का सेक्शन दिख जाएगा। तो इस पर मैं जैसे आऊंगा मुझे यहां पर डायरेक्टली कोड डालना है, तो देखो मेरा यहां पर
एडसेंस में मेरी साइट अप्रूव्ड है, तो एडसेंस का कोड भी डला हुआ था, इसको मैं नीचे करता हूँ, देन यहाँ पर प्रोफाइलर एड्स का जो कोड है वो डाल देता हूँ और सेव के सेक्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। गाइज अगर आपकी साइट ब्लॉगर पर है तो आप सभी लोग को अपने थीम के सेक्शन पर आना है, वहां पर एडिट एचटीएमएल क्लिक करना है, चौथे नंबर पर हेड का सेक्शन आप सभी लोग को दिख जाएगा, एंटर दबाना है, एंटर दबाने के बाद जो कोड कॉपी है उसको डालना है, देन सेव के बटन पर आप सभी लोग को क्लिक करना है। इतना सा काम आप सभी लोग को करना है। अब यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं साइट के सेक्शन में, इसको कर देते हैं लीव, और यहाँ पर साइट के सेक्शन पर जैसे आएंगे वेरीफाई के बटन पर आप सभी लोग को क्लिक करना है, देन आपका वेरिफिकेशन इजीली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब वापस आता हूं मैं साइट के सेक्शन पे, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि मेरी जो साइट है उसका स्टेटस वेरीफाइड है, तो विद इन सेकंड गाइस मेरी साइट यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर कि हमको एड यूनिट कैसे क्रिएट करना है। बस यहाँ पर आप सभी लोग को जो एक्शन दिख रहा है उस एक्शन के नीचे आप सभी लोग को एड जोन दिख रहा होगा, तो इस पर जैसे आप सभी लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो आपको बहुत सारे एड फॉर्मेट मिल जाएंगे जिसके टैग आप सभी लोग को डायरेक्टली मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इन पुश, यहाँ पर बैनर एड जो आप सभी लोग देख सकते हो किस तरीके से आएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जाम्पल दिखा हुआ है। उसके बाद पुश नोटिफिकेशन वाला भी है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो वन क्लिक वाला भी एड है, यानी कि जो पॉप अंडर एड होते हैं वो आते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी क्लिक करेगा तो एक डिस्प्ले एड आएगा, मतलब एकदम पॉपअप एड आएगा, उसका आप सभी लोग को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। इसके नीचे आप सभी लोग को इंस्टेंशियल एड मिल जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट एड्स भी आप सभी लोग को मिल जाते हैं, लिंक लगाकर भी आप सभी लोग अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मेथड बता देता हूँ कि किस तरीके से आप सभी लोग को यहाँ पर करना है। तो ये यहाँ पर अभी नया आया है, ठीक है, इन पेज पुश बैनर एड, तो यहाँ पर हम गेट टैग पर क्लिक करते हैं, और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर टैग का नेम पूछा जाएगा, तो यहाँ से हम कुछ भी नेम डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नेम डाल दिया, देन गेट कोड पर हम सभी लोग क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें कोड मिल जाएगा। अब इस कोड को आप सभी लोग जहां पर भी एड लगाना चाहते हो वहां पर भाई डाल देना है, ठीक है, सिंपल सा मेथड है। तो यहाँ पर ये एड हमारा आ चुका है, तो यहाँ पर कॉपी के सेक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, और जैसे क्लिक करूंगा अब मुझे मेरी साइट पर लगाना है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर जो विजिट का सेक्शन होता है उस पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर विजिट का सेक्शन पर आ गया। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो मैंने कस्टम एचटीएमएल का एक यहाँ पर ले लिया, और जो सर्च बॉक्स है उसके नीचे में ये लगा देता हूँ, और इसके नीचे जो भी मैंने कोड लिया था उस कोड को मैं यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, देन सेव के सेक्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर हमारा सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मेरे साइट पर आता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि भाई अभी हमारा एड यहाँ पर लाइव हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक गैप आ गई है आपके सामने, आप सभी लोग को दिख रही होगी। तो यहाँ पर एड लाइव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप सभी लोग को पता है न्यू एड यूनिट क्रिएट किया है, तो यहाँ पर दो चार बार रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं एड आता है या नहीं आता है। तो गाइस यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो हमारा एड आना शुरू हो चुका है, इसको आप सभी लोग डायरेक्टली हेडर सेक्शन में भी डाल सकते हो, और इस एड पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो मेरा अच्छा खासा रेवेन्यू बनेगा। तो मैं अभी ये कोई एड नहीं रखना चाहता, आपको बताने के लिए यहां पर मैंने ये रख रखा है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर बहुत सारे एड्स मिल जाते हैं, जैसे आप पुश नोटिफिकेशन वाला लगाना चाहते हो तो गेट कोड के सेक्शन पर क्लिक करना है, यहां पर जो भी एड यूनिट का नेम आप सभी लोग को यहां पर देना है, कुछ भी नेम आप सभी लोग दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पर गेट कोड पर क्लिक करते हैं और यहां पर नेम देना है, और नेम देने के बाद आप सभी लोग को यहां पर सीपी और CPS दो सेक्शन मिलते हैं, तो आप सभी लोग को CPM ही रखना है, ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। और यहां पर आप सभी लोग को गेट कोड के सेक्शन पर क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करोगे यहां पर भी आप सभी लोग को कोड मिल जाएगा, ठीक है, और कोड मिलने के बाद आप सभी लोग इसे अपनी साइट पर लगा सकते हो, ये वो कोड है, ठीक है, जैसे बताया सेम वे में आप सभी लोग को लगाना है। कहीं पर भी जाकर लगाओगे आपका एड आना शुरू हो जाएगा। वर्डप्रेस पर है तो वर्डप्रेस पर शिफ्ट करना होगा आप सभी लोग को। अब बात करते हैं कि भाई आप सभी लोग को पेमेंट यहां पर विड्रॉल कैसे करना है, उसके कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर स्टेटिस्टिक्स के सेक्शन पर हम सभी लोग आ जाते हैं कि जो हमने एड यूनिट लगाया उसके कितने इंप्रेशन आए हैं, कितने क्लिक्स आए, वो कैसे पता करेंगे। तो यहां पर सारी की सारी चीजें आप सभी लोग को दिख जाएगी। अब अगर आप सभी लोग अर्निंग प्रूफ देखना चाहते हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप सभी लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहां पर मैं अर्निंग प्रूफ शेयर कर दूंगा। तो यहां पर मैं आता हूं अर्निंग के सेक्शन में, ठीक है। अब यहां पर मैं जैसे आऊंगा अभी हमारी कुछ भी अर्निंग नहीं है, तो यहां पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब आप सभी लोग को पेमेंट के सेक्शन पर आ जाना है, यहां पर सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी, कितना आपने पे आउट, मतलब टोटल बैलेंस कितना है, आपने पे आउट कितना लिया है, ठीक है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो अगर आप पेपाल के थ्रू लोगे तो आपका $100 होगा, उसके बाद ही ट्रांसफर कर पाओगे, लेकिन दूसरे जितने भी मेथड्स हैं उनसे लोगे तो $5, $10, $15 का भी यहां पर ऑप्शन दिया जाता है। मैं आप सभी लोग को बताता हूं, आप सभी लोग को यहां पर जो प्रोफाइल का सेक्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, यहां पर पेमेंट मेथड मिल जाएगा, इस पर आप सभी लोग को क्लिक करना है, और जैसे ही यहां पर आप सभी लोग क्लिक करोगे यहां पर सिलेक्ट पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो बहुत सारी यहां पर आप सभी लोग को मेथड्स मिल जाती है। तो यहां पर जो वेब मनी है इसके थ्रू अगर आप सभी लोग ट्रांसफर करोगे तो यहां पर $5 ही ट्रांसफर कर पाओगे इजीली, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और पेपाल के थ्रू आप सभी लोग अगर लोगे तो यहां पर भाई पेपाल की आईडी आपको वेरिफिकेशन करानी है, और पेपाल के थ्रू लोगे तो $100 ही ले पाओगे, ठीक है। ये इनकी कुछ पॉलिसीज है, और भी आप सभी लोग इनकी साइट पर जाकर पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारे आप सभी लोग को यहां पर ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है गाइस। सो गाइस ये था सबसे बढ़िया गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव जो मैं खुद भी यूज करता हूं। सो आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली वीडियो को आप सभी लोग एक लाइक जरूर करें। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, नीचे लाल कलर
का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा उसे दबा देना ताकि ऐसे ही आने वाली सारी की सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।